हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। कि बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा कि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। ओके, तो नया शुरू करते हैं हम, न्यू डेफिनेशन, टेल्स ऑफ सीक्वेंसेज। सो व्हाट इज टेल ऑफ ए सीक्वेंसेज? सो पहले हम एक डेफिनेशन देखते हैं जो फॉर्मल डेफिनेशन है, फिर एग्जाम्पल से समझेंगे कि क्या लिखा हुआ है। इफ एक्स एन इज ए सीक्वेंस and m is a natural number, then the m tails of x is a sequence, this one. इस सिंबल को हम क्या कहेंगे, इस सीक्वेंस को क्या कहेंगे, m tails of the sequence x है। इसको अगर सिंपल शब्दों में बोले तो यह कह रहा है कि अगर हम m tails बोलते हैं तो सीक्वेंस में स्टार्टिंग की m टर्म्स हटा देनी होती है। एग्जाम्पल लिख के दिखाता हूं, आसान लगेगा आपको। सपोज मेरे पास एक सीक्वेंस है जिसका जनरल फॉर्म ये है, x2, x3, x4 एंड सो ऑन। अगर मैं कहता हूं कि टू टेल सीक्वेंस ऑफ xn, तो इसका जो सीक्वेंस है वो क्या होगा, ओरिजिनल सीक्वेंस में से शुरू की दो टर्म हटा देंगे फिर आगे लेंगे, x3, x4 एंड सो ऑन। क्लियर है बात? एग्जांपल में देखते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ये सीक्वेंस है 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन, और मैं कहता हूं इसमें थ्री टेल्स क्या होगी, इसकी थ्री टेल सीक्वेंस ऑफ एक्स एन। इसका मतलब तीन टर्म हटा देनी है, ये तीन टर्म हटा देनी है, 16, 25 एंड सो ऑन। तो दिस इज कॉल्ड थ्री टेल सीक्वेंस। एक कमेंट लिखा है मैंने यहां पर, एवरी टर्म ऑफ एक्स एन अवेलेबल इन एक्स, एक्स एम ये है, एक्स ओरिजिनल सीक्वेंस है, तो xm की सारी टर्म्स अवेलेबल होती है x में, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है। जैसे आप ये देखिए, इसकी सारी टर्म्स यहां पे नहीं दिख रही, लेकिन जो थ्री टेल्स में है सारी टर्म्स वो अवेलेबल है, है ना? तो एक ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। अच्छा, इसकी कौन सी टर्म्स अवेलेबल होंगी इसमें सारी, जो टेल्स आप ले रहे हो उससे बिगर होनी चाहिए या वहां, है ना, क्योंकि थ्री टर्म्स तक इसमें नहीं होती, थ्री के बाद वाली अगर आप लेंगे तो इसमें मिल जाएगी। एक और इंपॉर्टेंट बात जो नेक्स्ट थ्योरम में बहुत यूजफुल है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप m टेल्स ले रहे हैं तो पिक ए टर्म आफ्टर 4, मतलब आप इसमें से जो भी टर्म लेंगे यहां पे तीन से बड़ा नंबर होना चाहिए। सपोज 5 ले लिया, सो एक्स फिफ्थ टर्म ऑफ xn इज x5-3 टर्म इन x3 टेल सीक्वेंस। ये क्या है, थ्री टेल सीक्वेंस का नोटेशन है, जो कैपिटल एक्स सबस्क्रिप्ट 3 है, ये क्या है, थ्री टेल सीक्वेंस की नोटेशन है। तो मैं कह रहा हूं जो इसकी पांचवी टर्म है उसकी 5-3 टर्म होगी, मतलब उसकी थ्री टर्म तो है नहीं, वो तो कटानी पड़ेंगी ना, तो इसलिए वो तीन टर्म निकाल दी। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5 इसकी पांचवी टर्म है, 25 x5-3 2, तो आप देखो इसकी सेकेंड टर्म है वो। इसको अगर मैं जनरल लिखूं तो कैसे लिखेंगे, एक्स क्यू ऑफ एक्स एन इज एक्स एम माइनस क्यू इन एक्स एम। ओके, वेयर एक कंडीशन है कंपलसरी, क्या, क्यू शुड बी बिगर देन एम, है ना, क्योंकि जितनी टर्म आप डिलीट कर रहे हो उसके बाद वाले ही रिलेट कर सकते हो। तो नेक्स्ट थ्योरम में ये पॉइंट बहुत यूजफुल होगा, हम मेंशन भी करेंगे। तो नेक्स्ट थ्योरम की तरफ देखते हैं कि टेल से रिलेटेड हमारे पास क्या रिजल्ट है। नेक्स्ट थ्योरम आपके पास है टेल से रिलेटेड थ्योरम, क्या, xn बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स एंड m इज ए नेचुरल नंबर, देन m टेल सीक्वेंस नोटेशन इज xm, मतलब इसमें जो टर्म्स आएंगे वो कैसी आएंगी, xm+1, xm+2, xm+3, इट मींस ओरिजिनल सीक्वेंस में से कितनी टर्म्स डिलीट कर दी हैं, स्टार्टिंग की m टर्म्स डिलीट कर दी हैं। सो क्या कह रहा है, द m टेल्स xm ऑफ x कन्वर्जेस, मतलब ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्जेस होगी या कन्वर्जेंट होगी, कब, इफ एंड ओनली इफ x कन्वर्जेस।
इन दिस केस लिमिट ऑफ द एम टेल सीक्वेंस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स. तो क्या कह रहा है, अगर इसको हम लेमैन लैंग्वेज में समझे तो, कि आपके पास एक ओरिजिनल सीक्वेंस है, उसमें से आपने कुछ टर्म्स हटा दी, एक नई सीक्वेंस बन गई. आपके पास एक ओरिजिनल सीक्वेंस है x1, x2, x3, उसमें से आपने कुछ लिमिटेड टर्म्स हटा दी स्टार्टिंग की, तो जो रिमेनिंग सीक्वेंस बची है दैट इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली ओरिजिनल वन इज कन्वर्जेंट. मतलब अगर एक कन्वर्जेंट होती है तो दोनों ही कन्वर्जेंट होंगी, और दोनों ही केस में दोनों की लिमिट सेम होगी. तो ये काफी यूजफुल थ्योरम है, क्योंकि कई बार हमें ऐसा करना पड़ता है क्वेश्चंस में कि जो हम जब इनइक्वालिटी यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में, तो n इज इक्वल टू 1 या 2 के लिए वो स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो रही होती, तो हम कहते हैं भाई इग्नोरिंग फर्स्ट टर्म, इग्नोरिंग सेकंड टर्म या डिलीट फर्स्ट टर्म. तो ऐसा क्यों कर सकते हैं डिलीटिंग फर्स्ट टर्म, बिकॉज ऑफ दिस थ्योरम, कि अगर शुरू में से हम 1, 2, 5, 50 कितनी भी टर्म्स हटा दें, तो जो रिमेनिंग सीक्वेंस है अगर वो कन्वर्जेंट हो गई, तो ओरिजिनल जो स्टार्टिंग सीक्वेंस थी उसको भी हम कन्वर्जेंट ही मानते हैं. तो अब यहां पर हम देखते हैं इसमें कन्वर्ज शो करना है, सॉरी इफ एंड ओनली इफ पार्ट में शो करना है. सो लेट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट एक्स इज इक्वल टू एक्स एन बी ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस सीक्वेंस एंड इसकी लिमिट भी अज्यूम कर लो, कन्वर्जेंट है तो कुछ ना कुछ तो लिमिट होगी, तो सपोज लिमिट इज एल. सो दिस इंप्लाइज अच्छा टू शो एक्स एम जो है, एक्स एम मतलब एम टेल सीक्वेंस, एक्स एम प्लस एन जो सीक्वेंस है इज ऑल्सो कन्वर्जेंट. तो आपको ये भी कन्वर्जेंट शो करनी है, और ये भी शो करना है कि इसकी लिमिट भी वही आएगी जो आपने एक्स एन की लेट की है. ओके एक्स एन मतलब कैपिटल एक्स. ओके ये वन. सो अगर आपको किसी भी सीक्वेंस की लिमिट शो करनी है, किसी भी सीक्वेंस की लिमिट शो करनी है, तो जो उसका प्रोसीजर है वो क्या है, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर विच सैटिस्फाई सीक्वेंस माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम. तो अब आगे कैसे प्रोसीड करें, एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो ले लिया, अब के कैसे ढूंढें, तो इसका यूज करेंगे क्योंकि हमें पता है. तो सिंस लिमिट ऑफ एक्स एन इज एल देयर फॉर करस्पॉन्डिंग टू एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर के सच दैट मॉड ऑफ एक्स एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के. ये डेफिनेशन होती है. अब यहां पे समझने वाली बात है कि हमारे पास जो ये टर्म्स हैं ये सीक्वेंस एक्स एन की हैं, और हमें कन्वर्जन करके जानना कहां पर है, सब सीक्वेंस की टर्म्स पे जानना है. तो जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल में भी एक्सप्लेन किया था, उसी से रिलेटेड यहां पर आपको जरूरत पड़ेगी. देखिए मेरे पास एक सीक्वेंस है एक्स जिसकी टर्म्स की नोटेशन है एक्स एन, और वो है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री. एक ही लाइन से आंसर हो जाएगा बेटा, लेकिन उसको याद करना और उसको समझने में फर्क है. तो मैं लिखूंगा ऐसा हो गया तो कन्वर्जेंस हो जाएगा, लेकिन वो कैसे आई लाइन उसको समझने के लिए मुझे थोड़ा सा वर्किंग आपको दिखाना पड़ेगा. अब एक सीक्वेंस लेते हैं एक्स एम जिसकी नोटेशन ये रही, और उसमें टर्म्स कौन सी आएंगी, एक्स एम प्लस वन एक्स एम प्लस टू एक्स एम प्लस थ्री एंड सो ऑन. तो ध्यान दो कि इसमें जो टर्म्स हैं ये वाली तो अब मैं अगर इसमें डैश डैश लगा दूं डैश 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 एक्स के प्लस वन एंड सो ऑन, तो क्या ये टर्म्स इसमें अवेलेबल होंगी, एम टेल में अवेलेबल होंगी, तो होंगी लेकिन एम प्लस वन सबस्क्रिप्ट के साथ. जैसे इसमें थर्ड टर्म है तो इसमें थर्ड टर्म होगी, ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है, लेकिन अगर इसमें एम के बाद की पोजीशन आएगी तो वो इसमें अवेलेबल होगी. तो अब सवाल ये है कि ये जो सीक्वेंस की टर्म्स हैं वो एक्स एन सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग है. देखो नोटेशन दोनों में सेम ही होते हैं इसलिए ज्यादा कंफ्यूजन है थोड़ी. इसमें भी x1, x2, x3 करके है, इसमें भी वही है, बस वो नंबरिंग का ही फर्क है ना. तो हम इसमें क्या लिखेंगे, देखो तो आपके पास स्टेटमेंट है कि दिस इंप्लाइज दैट द टर्म ऑफ xm, ये xn की टर्म्स हैं,
अब आप XM प्लस वन पे जा रहे हैं तो आपको ये लैंग्वेज थोड़ी सी लैंग्वेज के साथ लिखना पड़ेगा, द टर्म्स ऑफ XM सैटिस्फाई क्या मॉड XN माइनस L लेस देन एप्सिलॉन एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल N ग्रेटर देन इक्वल टू K माइनस यहां पे M आ जाएगा दिस वन। ओके तो ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माइनस ऐसा लिखना पड़ेगा, ऐसा क्यों लिखना पड़ेगा आपको के माइनस एम। अब देखिए कि इसमें तो बहुत सारे इसमें यहां पे क्या लिख सकते हैं आप, यहां पे लिख सकते हैं के के प्लस वन के प्लस टू, इसको देखें तो इसमें से कौन कौन सी टर्म्स लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप टर्म्स इसकी लिखेंगे तो ये क्या चीज है, दिस इज फर्स्ट टर्म फर्स्ट, दिस इज सेकेंड टर्म। ओके तो नोटेशन के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन करता हूं एक एग्जांपल की हेल्प से, ये स्टेटमेंट सही लिखा है, अब इसको एग्जांपल की हेल्प से मैं एक्सप्लेन करता हूं। सपोज ये वाली टर्म एक्स एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री लिखा है, यहां पे तीन ले लेते हैं, ठीक है, और एम की वैल्यू भी फिक्स कर देते हैं हम, तीन थोड़ा छोटा हो गया, पांच ले लेते हैं और एम की वैल्यू थ्री ले लेते हैं सपोज। तो हमने नीचे क्या लिखा, एक्स एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के माइनस एम, है ना। लेकिन दोनों में फर्क क्या है, इसमें हम कह रहे हैं यहां पे एन की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब सेकंड टर्म्स एन ऑनवर्ड्स, मतलब इस एक्सप्रेशन में दूसरी टर्म से शुरुआत हो जाएगी जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, बट दूसरी का मतलब ये नहीं कि एक्स टू हो जाएगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज नॉट एक्स टू, दिस इज द सेकंड टर्म ऑफ दिस वन। जैसे इसमें लिखेंगे एक्स एन में तो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव एक्स सिक्स एक्स सेवन एंड सो ऑन, तो जो सब एम टेल वाली है, एम मैंने तीन लिया है तो थ्री प्लस एन वाली जो सीक्वेंस है वो कैसी होगी, तीन टर्म छोड़ के एक्स फोर एक्स फाइव एक्स सिक्स एंड सो ऑन। तो अब जो ऊपर वाला स्टेप है ये कब सेटिस्फाई कर रहा है, एन की वैल्यू पांच और पांच से ज्यादा, मतलब कि यहां पे क्या लिखना होना चाहिए एक्स फाइव एक्स सिक्स एंड सोन, ये वाले टर्म्स, दीज टर्म्स सैटिस्फाई दिस एक्सप्रेशन। अब मैं उसको एक्स एम से रिलेट करना चाहता हूं, तो एक्स एम से कैसे रिलेट करें, तो हम कह रहे हैं कि भाई एक्स एम की जो टर्म्स हैं वो भी ऐसा ही सैटिस्फाई करेंगी फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के माइनस एम बट टर्म्स ऑफ दिस। तो इसके हिसाब से अगर हम चलें तो कितना आ गया, दो आ गया, तो हम क्या कह रहे हैं सेकंड टर्म्स एंड ऑनवर्ड सेटिस्फाई करेंगे। तो देखो ये पांच से इसकी जो सेकंड टर्म्स है वो ये है, तो सेकंड टर्म्स एंड ऑनवर्ड्स सेटिस्फाई करेंगे सेम एक्सप्रेशन, करेक्ट। तो ये यही कहना चाह रहा है कि भाई वो टर्म्स तो वही की वही है, बस वो एक स्टार्टिंग पोजीशन का थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है जो कि के है और जो एम है ये मिलकर एडजस्ट कर लेंगे। तो ये डेफिनेशन मिलकर क्या कह रही है, दिस इंप्लाइज द सीक्वेंस एक्स एम इज कन्वर्जेंट एंड लिमिट ऑफ एक्स एम इज एल, एक्स एम जो एक्स एम है एक्स एम इसकी टर्म्स लीजिए ना तो वो एल लिमिट है। थोड़ा सा बस कंफ्यूजन यही है, मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि वो नोटेशन सेम है इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस है। कन्वर्स कन्वर्स में एज्यूम दैट एक्स एम इज कन्वर्जेंट एंड उसकी लिमिट का भी नाम रख लो कुछ एल। तो हमने मान लिया कि भाई ये सीक्वेंस एक्स एम कन्वर्जेंट है और उसकी लिमिट एल है। टू शो एक्स इज कन्वर्जेंट एंड लिमिट ऑफ एक्स एन इज एल, वो कन्वर्जेंट को मैंने शॉर्ट में ऐसा लिख दिया सी जी टी, वो थोड़ा जल्दबाजी में लिख दिया है ना। अब लिमिट दिखानी है तो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, इसका बेनिफिट लेते हैं।
since limit of the sequence xm is L, therefore for epsilon greater than 0 there exist k belong to natural number such that the terms of the sequence xm satisfy xn minus l less than epsilon for all n greater than equal to k. तो डेफिनेशन देखने में ऐसी दिख रही है, बट टर्म्स जो है उठाई है वो हमने xn से उठाई है. अब यहां पर हम इसमें दूसरी, अब इसको रिवर्स कैसे जाए, अब रिवर्स जाने का क्या तरीका है. सो वी कैन से दिस इंप्लाइज टर्म्स ऑफ एक्स ऑल्सो सैटिस्फाई एक्स एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फोर एन ग्रेटर देन इक्वल टू के प्लस एम आ जाएगा यहां पे. तो ये डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि x में अगर चेक करेंगे तो ये वाली टर्म सेटिस्फाई करेंगे इसमें m के बाद वाली. ऐसा क्यों है दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं. सपोज ये सीक्वेंस है x और ये है xm, तो इसमें टर्म्स ऐसी हैं कुछ, ठीक है, और xm की जगह मैं x3 ले लेता हूं जानबूझ के समझने के लिए, थ्री टेल सीक्वेंस, तो x4 x5 x6 एंड सो ऑन. हमने स्टार्टिंग में क्या एज्यूम किया हुआ है, xm कन्वर्जेंट है, तो k को मैं कुछ नंबर ले लेता हूं, k को 3 ले लेता हूं, k को 3 का मतलब है थर्ड टर्म से शुरू होगी, x3 से नहीं. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड xm की, ये xm सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं वो सेटिस्फाई करेंगे, तो xm सीक्वेंस की nth टर्म, तो अगर मैं कहूंगा कि इस सीक्वेंस की थर्ड टर्म तो वो ये होगी जिसका नंबर x6 होगा बाय द वे. तो अगर मैं k को सॉरी m को अगर मैं 3 चूज करके चलता हूं और k को भी 3 चूज करके चलता हूं, है ना, तो क्या हो जाएगा ये कि भाई थर्ड टर्म ऑनवर्ड सेटिस्फाई करेगा, तो थर्ड टर्म ऑनवर्ड ये है. तो अब हम वापस x से कंपेयर करें, अगर तो x से कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा, k प्लस m ले रहे हो आप, तो 6 हो जाएगा, इसका मतलब 6 टर्म से शुरू होगा. पहले भी वो 6 टर्म से ही था, अब भी 6 टर्म से ही है, सेम ही चीज लिखी हुई है. द डिफरेंस इज कि आपको यहां पे जो पोजीशन है वो पोजीशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी. सो आफ्टर दिस यू कैन से द सीक्वेंस, सो द सीक्वेंस एक्स इज कन्वर्जेंट एंड लिमिट ऑफ एक्स इज ऑल्सो एल, मतलब जो आपने xn की लिमिट एज्यूम की थी वही लिमिट x की आ गई. Okay, okay, so now we do the next theorem and the statement is, okay, so theorem number 10 aapka kya hai, let xn be a sequence and an is a sequence of positive real number with limit of an is 0. to aapke paas do sequence hai, xn ek sequence hai and an is a positive number sequence which converts to 0 and c is a positive number. Then for some natural number m, if this happens, then limit of xn is x. देखो ये बात यहां से बहुत आसानी से पता चल रही है, xn minus x लिखा है, अगर ये टर्म यहां पे less than epsilon बन जाए, this minus this less than equal to c a n, यहां तक given है, and if we show this is less than epsilon, तो हम क्या कह पाएंगे, sequence xn is converging to x. Okay, तो बहुत छोटा सा ही प्रूफ है, तो देखें आसानी से समझ आ जाएगा. लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो आर्बिट्रेरी, ओके, क्योंकि हमें शो करना है लिमिट ऑफ एक्स एन इज एक्स, तो जो स्टार्टिंग है वो यही होगी, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो आर्बिट्रेरी. नाउ वी हैव टू सर्च ए नेचुरल नंबर एम विच सैटिस्फाई द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस एक्स एन माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम. तो अब ये एग्जांपल तो है नहीं, तो इसका मतलब है हमें आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से एम नहीं ढूंढना, जो गिवन कुछ इन्फॉर्मेशन है उसी से एम ढूंढना है. तो ये इंफॉर्मेशन गिवन है जो m बता सकती है, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस लिमिट ऑफ द सीक्वेंस an इज जीरो, देयरफॉर करस्पॉन्डिंग टू
a positive number greater than 0, there exist a natural number m1 such that mod of an minus 0 is less than that positive number for all n greater than or equal to m1. अब देखो ये वैल्यू आप ए एन पॉजिटिव है तो मॉडुलस हटा सकते हो एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम वन. ओके अब ये वैल्यू यहां लिख देंगे. अब अगर ये वाली वैल्यू हम यहां लिख दें तो कुछ बात बने. अब सी भी काटना है तो मुझे यहां क्या चूज करना चाहिए देखो थोड़ा सा समझ आएगा आपको. एप्सिलॉन बाय सी If I write epsilon by c here, तो c कट जाएगा. अब प्रॉब्लम यह है कि ये greater than equal to m के लिए ट्रू है, ये greater than equal to m1 के लिए ट्रू है. तो हम क्या करने वाले हैं, टेक k इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ m एंड m1. सो दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ xn माइनस x इज लेस देन इक्वल टू c टाइम्स an. And this is less than c times. अब ये an की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, epsilon by c, which is epsilon and it is true for all n greater than equal to capital K, जो मैक्सिमम वाला पार्ट लिया. So this statement says limit of the sequence xn is converges to x. देखिए हमारा next example क्या है. आपके पास चार different examples हैं and you have to show their respective limits. Okay. So first example से शुरू करते हैं. सोल्यूशन ए, तो जैसे पहले भी हमने एग्जाम्पल्स किए थे बिल्कुल उसी से मिलते जुलते हैं और हम इसमें कोई थ्योरम यूज नहीं करना चाह रहे, हम थ्योरम को बीच में इन्वॉल्व नहीं कर रहे, हम बाय डायरेक्ट डेफिनेशन के इसको सॉल्व करेंगे. ओके सो लेट नेम ऑफ द सीक्वेंस इज एक्स एन वन प्लस एन ए वेयर ए इज ए पॉजिटिव नंबर गिवन. सो वी हैव टू शो लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस इज जीरो. तो क्या प्रोसीजर है, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो. अगर किसी को प्रोसीजर याद नहीं है भूल गया है तो देखिए क्या करते हैं, फॉर शोइंग लिमिट ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू एल आपको क्या क्या करना होता है, वी हैव टू डू द फॉलोइंग. तो कुछ स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है. सबसे पहले आप लिखें लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो. स्टेप की नंबरिंग ना लिखें कभी, ये तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं. उसके बाद आपको के ढूंढना होता है, फाइंड के. ओके अब ये स्टेप कैसे लिखना होता है, तो इसकी एक फिक्स लैंग्वेज है क्या, बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी फॉर सम टी पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर सच दैट वन बाय के इज लेस देन दिस पॉजिटिव नंबर. तो ये इतना इजी नहीं होता, इसको हमें सर्च करना होता है. ये मैं प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूं, बट अगर कोई डायरेक्ट ये वीडियो देख रहा है तो ये उसके लिए है. ओके तो ये टी नंबर सर्च करना होता है कि भाई क्या लें, बाकी जो वर्ड्स लिखे हैं वो बिल्कुल सेम रहेंगे. नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम लिखते हैं फोर n greater than equal to k, we have mod xn minus l, और फिर xn की जो वैल्यू दे रखी है सीक्वेंस की, जैसे इसमें ये दे रखी है, और l जो आप लिमिट शो करना चाहते हैं वहां लिख के डू सम काइंड ऑफ कैलकुलेशन. रैशनलाइजेशन हो सकता है, LCM हो सकता है, फैक्टराइजेशन हो सकता है, बहुत सारी सिचुएशन है डिपेंडिंग ऑन दिस एक्सप्रेशन. एंड यूर एम टू शो दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, your aim to show this is less than epsilon by using this expression, by using this one and this one. Okay, इन दोनों का use करते हुए आपको ये value less than epsilon बनानी होती है. ठीक है तो एक question के लिए मैं मिटाता नहीं हूं उसे, तो रहने देता हूं. देखो क्या है, let epsilon greater than zero. Now, अब कैसे लिखेंगे, by Archimedean property, corresponding to some positive number, जो कि अभी मुझे starting में नहीं पता चल सकता, there exist a natural number and this natural number is depending on epsilon. Usually हम k लिख देते हैं और आप बहुत सारी books में देखेंगे तो depending on epsilon लिखा होता है. okay तो understood है, कोई issue नहीं है.
k belong to natural number such that 1 by k is less than this positive number, जो भी यहां t लिखोगे जिसपे मैंने सर्कल बनाया है, तो t नोन नहीं है, अभी पता लगाना है कि कौन सा पॉजिटिव नंबर लेना है यहां. Now, for n greater than or equal to k, we have to do some calculation. So, xn minus limit. Limit को क्या प्रूफ करना चाहते हैं? देखो यहां क्या लिखा है, जीरो लिखा है, तो जीरो. So, 1 over 1 plus na minus 0. This is equal to 1 over 1 plus na. Because it is a positive quantity, so modulus is not required. अब इसके बाद देखो, आपको ये वाली term use करनी है, ये वाली term use करनी है, और दूसरी कुछ inequalities भी use कर सकते हो. लेकिन आपको sign देखो हमेशा कैसा रखना है, less than type का. मतलब जो भी आगे term लिखोगे आप, इस प्रीवियस वाली से बड़ी लिखोगे. तो देखो कैसे लिखोगे, तो यही सबसे डिफिकल्ट काम है इसमें. जिसको क्वेश्चन आते हैं उसके लिए तो ठीक है, लेकिन जिसको नहीं आता है सपोज, क्योंकि सबसे डिफिकल्ट काम है कि इसको लेस देन बनाना, तो उसमें क्या करते हैं हम, क्या मोटिव होता है हमारा, कि डिनोमिनेटर में एक एन छोड़ के, डिनोमिनेटर में मिनिमम एक एन तो रहना ही चाहिए, और उसके अलावा जितने भी साइड में टर्म्स दिख रही हैं, प्लस में, मल्टीप्लाई में या न्यूमरेटर में, जितना मैक्सिमम हो सकता है आप रिमूव करते जाइए. और रिमूव कैसे करिए, लेस देन का साइन लगाते जाइए. और रिमूव देखिए, मतलब ये भी गलती ना हो कि जब आप लेस देन साइन लगा रहे हो तो जो ये क्वांटिटी लिखोगे वो प्रीवियस क्वांटिटी से बड़ी होनी चाहिए. ओके, तो अब देखो यहां 1 प्लस na लिखा है, ये na लिखा है, तो अबव स्टेप में, ऊपर वाले स्टेप में डिनोमिनेटर बड़ा है क्योंकि उसमें 1 एक्स्ट्रा है, प्लस में 1. तो इसका मतलब है कि व्हेन यू डिवाइड न्यू, द अबव स्टेप इज लेस देन दिस वन. ओके, अब देखो यहां n का ये इस्तेमाल करो, n greater than equal to k है, तो reciprocal करेंगे तो यहां पे k लिख सकते हैं. अब इसको थोड़ा सा मैं सेपरेट करके लिखता हूं ताकि आपको समझा पाऊं. अब 1 by k मेरे हाथ में है, अब मैं यहां 1 by k की जगह 1 by k less than कुछ भी लिख सकता हूं, बट कुछ ऐसा लिखूंगा जो पॉजिटिव हो, और मकसद क्या है मेरा, एप्सिलॉन आ जाए. तो बहुत आसानी से आप यहां सोच सकते हैं, अगर मैं एप्सिलॉन इनटू a लिख लूं तो a कट के आ जाएगा, तो यहां पे क्या लिखना चाहिए, एप्सिलॉन इनटू a. नाउ फिल दिस पोजीशन, बट यू हैव टू केयर अबाउट दैट कि दिस मस्ट बी पॉजिटिव. ऐसा नहीं है कि यहां पे लिख दिया कुछ भी हो, कोई नहीं, तो ये पॉजिटिव है, यस a इज पॉजिटिव, एप्सिलॉन इज पॉजिटिव, सो प्रोडक्ट इज पॉजिटिव. सो डेफिनेशन सेज लिमिट ऑफ माई सीक्वेंस इज जीरो एज एन टेंस टू इन्फिनिटी. एन टेंस टू इन्फिनिटी लिखना ऑप्शनल होता है, आप लिख भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, बिकॉज लिमिट में फिक्स है सीक्वेंस वाले टॉपिक में कि लिमिट इन्फिनिटी होती है, तो मैंडेटरी नहीं है कि आप लिमिट वर्ड लिखें. ओके, नेक्स्ट देखिए सॉल्यूशन बी, लेट एक्स एन इज इक्वल टू बी रेज टू पावर एन. ये सॉल्यूशन मैं पहले आपको करा चुका हूं, तो अब मैं दोबारा लिखवा रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको प्रीवियस वीडियो पे ना जाना पड़े. सिंस बी इज लाइज बिटवीन जीरो एंड वन, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर एच सच दैट बी इज इक्वल टू वन ओवर वन प्लस एच. ये इसका सबसे मेन स्टेप है. तो आप ऐसे लिख सकते हैं, बिकॉज b इज ए नंबर फ्रॉम 0 टू 1, तो जो b है वो 0 और 1 के बीच में है, मतलब 0 पॉइंट समथिंग है, डेसिमल में है. तो आप इस फॉर्म में b को एक्सप्रेस कर सकते हैं, बिकॉज 1 ओवर 1 प्लस h इज लेस देन 1. h पॉजिटिव नंबर है, तो जो 1 प्लस h है वो 1 से बिगर है, तो नीचे बड़ा नंबर है ऊपर छोटा नंबर है, तो डिवाइड करके 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो वो सूटेबल h हमने यहाँ पे ले लिया. सो b रेज टू पावर n और 1 प्लस h पावर n, इस तरीके से लिख दिया. सो b रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस h रेज टू पावर. नाउ यूज बाइनोमियल एक्सपेंशन, इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाओ, 1 प्लस nh प्लस n n माइनस 1 एच स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. ओके, नाउ दिस वैल्यू इज लेस देन 1 ओवर nh, ऐसा हम लिख सकते हैं, बिकॉज एक ये टर्म और एक ये टर्म, इन दोनों में कंपेयर करो तो देखो डिनोमिनेटर इसका बहुत ज्यादा बड़ा है, और ये एक टर्म हमने इसमें लिख दी, तो ऑब्वियसली
इस टर्म का डिनोमिनेटर ज्यादा है, सो आफ्टर डिवीजन दिस इज स्मॉलर देन दिस वन, दिस इज फर्दर लेस देन, ओके, सो यू कैन राइट दिस एज बी एन लेस देन वन ओवर एन एच, मार्क दिस एज वन. नाउ लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो. अब हम बेसिक प्रोसीजर पे आते हैं जिससे हमें लिमिट जीरो दिखानी है. बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी करस्पॉन्डिंग टू या फोर सम पॉजिटिव नंबर देयर एग्जिस्ट के बिलोंग टू नेचुरल नंबर सच दैट वन ओवर के इज लेस देन दैट नंबर. ओके, सो फोर एन ग्रेटर देन इक्वल टू के वी हैव मॉड ऑफ द सीक्वेंस माइनस लिमिट. तो लिमिट तो जीरो दिखाना है, देखो बी पार्ट में. तो एक्स एन की वैल्यू है बी रेज टू पावर एन माइनस जीरो, सो बी रेज टू पावर एन. अब बी रेज टू पावर एन कैसा है? लेस देन इक्वल टू वन ओवर एन एच, और यहां से अगर एन को यूज करें तो लेस देन इक्वल टू वन ओवर के, और ये एच को ऐसे छोड़ देते हैं. अब ये वन बाई के हमारे हाथ में है, हम 1 बाई के की जगह कोई वैल्यू लिखकर इसको एप्सिलॉन बनाना चाहते हैं, तो क्या लिखें? ये लिखें एप्सिलॉन इंटू एच. एप्सिलॉन इंटू एच पॉजिटिव है बिकॉज बोथ आर पॉजिटिव, एप्सिलॉन इंटू एच. तो ये जो वर्किंग है, ये वर्किंग आपको क्या समझा रही है कि लिमिट ऑफ द सीक्वेंस इज जीरो. सीक्वेंस का नाम लिखेंगे तो बी रेज टू पावर एन इज जीरो. ओके, तो ये आपका बी पार्ट हो गया. सी पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है. लेट एक्स एन इज इक्वल टू सी रेज टू पावर वन बाई एन वेयर सी इज ए पॉजिटिव. सो हेयर वी रिक्वायर्ड सम केसेस ऑन डिपेंडिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ सी. सो फर्स्ट केस लेते हैं, इफ सी इज इक्वल टू वन देन एक्स एन इज इक्वल टू वन पावर वन बाई एन वन. मीन दिस इंप्लाइज एक्स एन इज ए कॉन्स्टेंट सीक्वेंस. ओके, सो एक्स एन इज ए कॉन्स्टेंट सीक्वेंस एंड एवरी कॉन्स्टेंट सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट. ऑल्सो अगर इसकी लिमिट की बात करें तो लिमिट कितनी आएगी इसकी? कॉन्स्टेंट सीक्वेंस की लिमिट यही आती है जो होती है ना, वन. सो इस केस में हमारा प्रूफ कंप्लीट. केस टू, इफ सी लाइज बिटवीन जीरो एंड वन. अगर जीरो और वन के बीच में होगा तो क्या होगा? तो मिलता जुलता बिल्कुल बी पार्ट के जैसे ही होगा कुछ. इफ दिस देन एक्स एन इज इक्वल टू सी रेज टू पावर वन बाई एन इज लेस देन वन. ठीक है, अगर आप सी को जीरो वन के बीच में चूज करते हैं तो जो एक्स एन की वैल्यू है वो वन से छोटी रहेगी. अब ये वैल्यू वन से छोटी है, उदाहरण के तौर पर मैं समझाने के लिए मान लेता हूं उसकी सी की वैल्यू वन बाई टू है. तो जब n की वैल्यू 1 लिखेंगे तो इस टाइप से आंसर आएगा, 2 लिखेंगे तो ये, 3 लिखेंगे तो ये. इसका मतलब क्या हुआ कि ये कुछ अलग अलग नंबर्स आएंगे बट हमेशा 1 से छोटे होंगे. तो अगर ये 1 से छोटे हैं तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? दिस इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस सम नंबर. क्योंकि अगर h पॉजिटिव चूज करें तो ये 1 से छोटा आएगा. सिमिलरली इसमें भी ऐसे ही, बट ये दोनों नंबर अलग अलग है. इट मीन्स कि यहां पर जो h मिलेगा वो डिफरेंट होगा. सो वी आर राइटिंग h1, h2, h3 एंड सो ऑन. तो इस तरीके से ये h1, h2 डिफरेंट होंगे इस वाले क्वेश्चन में. इट मीन्स जो आप h चूज करेंगे इट इज डिपेंडिंग ऑन n. तो हम क्या लिखेंगे? देखो, देन xn इज इक्वल टू c रेज टू पावर 1 बाय लेस देन 1. सो दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट सम hn ग्रेटर देन 0 सच दैट एक्स एन विच इज सी रेज टू पावर वन बाई एन कैन बी रिटर्न एज वन ओवर वन प्लस एच एन. ओके, सो दिस इंप्लाइज सी रेज टू पावर वन बाई एन वन ओवर वन प्लस
एच एन और सी इज इक्वल टू वन वन प्लस एच एन होल पावर एन, ऐसे लिख सकते हैं एच एन होल पावर एन. नाउ यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, तो इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगाओ, वन प्लस एन एच प्लस एन एन माइनस वन एच स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल एंड सो ऑन, एंड दिस इज लेस देन, जैसे कि प्रीवियस पार्ट में किया हमने सेम, वन ओवर एन दिस वन. ओके, सो यहां पर आप छोड़ दो, दिस इज सी लेस देन एन एच एन. ओके, अच्छा इसमें एच एन की वैल्यू निकाल लीजिए आप, एच एन की जरूरत पड़ेगी आपको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, एन एच एन लेस देन वन ओवर सी एन, मार्क दिस वन, सॉरी सी एन, एच एन को यहां ले गए, सी को इसके पास ले आए, होल्ड हियर. अब आपको शो करना है इसकी, आपकी सीक्वेंस की लिमिट वन है, सो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो बी एनी नंबर बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी फॉर सम पॉजिटिव नंबर देयर एग्जिस्ट के बिलोंग टू नेचुरल नंबर सच दैट वन ओवर के इज लेस देन दैट पॉजिटिव नंबर. नाउ फोर एन ग्रेटर देन इक्वल टू के वी हैव मॉड ऑफ सीक्वेंस माइनस लिमिट, लिमिट कितना प्रूफ करना चाहते हैं, वन. xn की वैल्यू क्या है आपके पास, देखो xn की वैल्यू है c रेज टू पावर वन ओवर n. ओके, एंड c रेज टू पावर वन बाई n की जो वैल्यू है वो कितनी है, ये है तो इसकी वैल्यू आप यहां पे लिखेंगे 1 ओवर 1 प्लस एच एन माइनस वन. एलसीएम लेंगे 1 माइनस वन एच एन डिवाइड बाय 1 प्लस एच एन, सो दिस इज एच एन डिवाइड बाय 1 प्लस एच एन. ओके, मॉड भी हटा सकते हैं बिकॉज इट इज ए पॉजिटिव नंबर. ओके, नाउ आई एम रेजिंग इट, मुझे अभी इसकी जरूरत तो नहीं है. खैर देखिए यहां तक पहुंच गए हम, क्या एक्स एन माइनस वन इज लेस देन ये इक्वल एच एन डिवाइड बाय वन प्लस एच एन. नाउ वी कैन राइट दिस स्टेप लेस देन एच एन, है ना, बिकॉज डिनोमिनेटर में क्या है, वन प्लस एच एन है, तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, जैसे देखिए ऊपर बड़ा नंबर है नीचे छोटा नंबर है, या फिर आप कह दीजिए नीचे वन से बड़ा है, सपोज कोई नंबर लिखा है आपके पास थ्री बाई फोर और आप सिर्फ थ्री लिख दें, ऊपर वाली टर्म लिख दें, तो ऑब्वियसली इधर वाली बड़ी हो जाएगी. इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये वन से बड़ा है, क्योंकि अगर किसी भी चीज को वन से डिवाइड, वन प्लस समथिंग से डिवाइड करेंगे तो वो लेस हो जाएगी. ओके, तो दिस स्टेप इज लेस देन दिस वन. और एच एन की वैल्यू क्या है, देखो यहां पर वन ओवर सी एन लेस देन इक्वल टू एन की वैल्यू ग्रेटर देन के है, तो ये क्या हो जाएगा, वन ओवर के. नाउ इट इज इन अवर हैंड कि हम क्या चूज करें, वन बाई के को कुछ ऐसा चूज करना है कि एप्सिलॉन आ जाए, तो बहुत आसान है सी और एप्सिलॉन, तो आपकी लिमिट क्या हो गई, एक्स रेज टू पावर सॉरी एक्स एन जो सीक्वेंस है उसकी लिमिट हो गई वन, या फिर आप ऐसा कह दीजिए सी रेज टू पावर वन बाई एन की लिमिट वन फोर सी लाइज बिटवीन जीरो एंड वन. केस टू कंप्लीट हो गया, और यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ना, यहां पे आपको क्या लिखना है, एप्सिलॉन सी, तो यहां गलती ना कर दें, इसको फिल कर दें, ऐसा नहीं है कि बाद में इसको भूल जाए वहां लिखते टाइम. तो ये आपका सी का सेकेंड पार्ट हो गया, वेन सी लाइज बिटवीन जीरो एंड वन. ओके, लास्ट केस देखते हैं, वॉट हैपेंड इफ सी ग्रेटर देन वन. If c greater than 1, then what happened? Then your sequence xn is c raised to power 1 by n is bigger than 1. I'm sorry. C greater than 1.
तो अगर आप c की वैल्यू 1 से बड़ी ले लेते हो तो ये वैल्यू 1 से बड़ी आएगी. तो इस बार हम कैसे लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर एच एन ग्रेटर देन 0 सच दैट. पिछली बार छोटा सा था 1 से, इस बार बड़ा है. तो बड़ा है 1 से तो इसको 1 प्लस एच एन लिखेंगे. ओके, 1 प्लस एच एन, सो दैट के ये लुक लाइक ग्रेटर देन 1 हो जाए. सो दिस एम्प्लाइज c रेज टू पावर n 1 प्लस एच एन कैन बी रिटन एज c इज इक्वल टू 1 प्लस एच एन होल पावर n. ये जो 1 बाई एन है ये उधर शिफ्ट हो गया. अब इसमें बाइनरी में लगाओ, 1 प्लस एन एच एन 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 माइनस 1 एच एन स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. एंड दिस टर्म इज बीगर देन एन एच एन, लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये सारा तो बहुत ज्यादा है. तो दिस इज बीगर देन दिस इंडिविजुअल टर्म. तो हमें यहां से क्या मिलेगा, एच एन इज लेस देन सी ओवर एन. एच एन निकाल लिया, एन से डिवाइड कर दिया, मार्क दिस एज 1. लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी फॉर सम पॉजिटिव नंबर देयर एग्जिस्ट के बिलोंग टू नेचुरल नंबर सच दैट 1 बाय के इज लेस देन पॉजिटिव नंबर. फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू के द सीक्वेंस माइनस लिमिट. इस बार देखो c की पावर 1 बाई एन की लिमिट की वैल्यू क्या है, 1 प्लस एच एन, 1 प्लस एच एन माइनस 1, तो क्या बचेगा एच एन. मॉडुलस क्यों रिमूव कर दिया, बिकॉज एच एन पॉजिटिव है. एच एन इज लेस देन, ये रहा एच एन इज लेस देन c ओवर n. तो हमने क्या प्रूफ कर लिया, xn माइनस 1 लेस देन c ओवर n. एंड दिस इज फर्दर लेस देन इक्वल टू, इसको यूज करो. तो c तो छोड़ दो, जो 1 बाई एन है 1 बाई एन की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 बाई के. नाउ लेस देन c टाइम्स दिस वन, 1 बाई के आपको अपनी चॉइस से चूज करना है. तो वीडियो को पॉज करके अपने आप सोचो, अब तो बहुत सारे एग्जाम्पल हम कर चुके हैं कि यहां पे क्या लिखूं कि एब्सोल्यूट आ जाए. ठीक है, तो मेरा आंसर लिखने से पहले आप वीडियो को पॉज कर लीजिए अगर मेरी बात समझ आ रही है तो, और खुद डिसाइड कीजिए फिर देखिएगा. तो मैं लिखने जा रहा हूं c, और यहां पे लिखना है आपको एप्सिलॉन बाय c, सो दैट c कट जाए. सो यू हैव टू चूज हियर एप्सिलॉन बाय c, एप्सिलॉन बाय c. अच्छा, जल्दबाजी में ये फिल करना भूल ना जाए, ऐसा नहीं है कि यहां लिख दिया और कंप्लीट कर दिया. सो लिमिट ऑफ xn इज 1, या फिर लिमिट ऑफ xn की वैल्यू लिख दीजिए, दिस इज 1. सो हेंस लिमिट ऑफ c रेज टू पावर 1 बाई एन इज 1 फॉर c ग्रेटर देन 0. और ये कब होगा, ऊपर वाला केस तो जब c ग्रेटर देन 1 है. तो तीनों केस को मिला दिया जाए तो इस तरीके से ये आपको दिखाई देगा. ओके, तो एक पार्ट बचता है हमारा d. d भी इन्हीं के जैसे होगा बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करके, तो इसको हम इरेज कर देते हैं फिर d लिखते हैं एक बार. d पार्ट देखिए, अब ये वैल्यू कैसी है, बिगर देन 1 है, लेकिन अगर n की वैल्यू 1 लिखेंगे तो 1 आ जाएगा. ध्यान से देखिए, n की वैल्यू 1 लिखेंगे तो 1 आ रहा है. तो मैं क्या कह रहा हूं, दिस इज बिगर देन 1 फॉर n ग्रेटर देन 1, तो मैं 1 नहीं लेना चाहता, मैंने एक टर्म छोड़ दी. तो ऐसा क्या हम छोड़ सकते हैं, तो यहां पर आपकी कौन सी थ्योरम काम करती है, टेल्स ऑफ ए सीक्वेंस. इफ वी स्टार्ट आफ्टर सम टर्म्स एंड द न्यू सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट देन द ओरिजिनल वन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट. तो हमने एक हिसाब से n ग्रेटर देन 1 लेने का मतलब क्या है कि हमने कौन सी सीक्वेंस यहां पर कंसीडर करके चल रहे हैं, वन टेल सीक्वेंस. वन टेल सीक्वेंस क्या होती है, जिसमें पहली टर्म छोड़ देते हैं, x2 से शुरू करते हैं. तो अब जो x2 से शुरू करने वाली सीक्वेंस है, इफ दिस इज कन्वर्जेंट देन द गिवन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट एंड लिमिट ऑफ द बोथ सीक्वेंस सेम. जो थ्योरम थी ना आपकी टेल ऑफ ए सीक्वेंस, उसका यूज कर रहे हैं ऐसे लिखने के लिए. सो दिस इज बिगर देन 1, सो देयर एग्जिस्ट एच एन ग्रेटर देन 0 सच दैट n raised to power 1 by n is equal to 1 plus hn.
अच्छा एक चीज और दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं, जब आपने देखा था हमने जब बी पार्ट किया था तो सिर्फ एच लिखा था, लेकिन जब सी ओ डी कर रहे हैं तो एच एन लिख रहे हैं। अगर ये बात किसी को क्लियर नहीं है तो इसका रीजन क्या है कि जो बी है वो एक कॉन्स्टेंट नंबर है कि भाई जीरो और वन के बीच में कोई, तो उसको इक्वल बनाने के लिए जो एच मिलेगा वो एक ही मिलेगा। लेकिन यहां पर हम कह रहे हैं कि ये एक सीक्वेंस है जो बिगर देन वन है। जब आप यहां पर एन की वैल्यूज लिखेंगे तो हर बार अलग अलग आंसर आएगा, लेकिन वो आएगा वन से बड़ा। तो उसको इक्वल बनाने के लिए हमेशा जो मुझे एच की जरूरत पड़ेगी वो अलग पड़ेगी। जैसे एन की वैल्यू टू लिखूंगा तो वन प्लस समथिंग जो होगा वो अलग होगा एन इक्वल टू थ्री से, क्योंकि एन के लिए दो लिखेंगे तो अलग आंसर आ रहा है, तीन लिखेंगे तो अलग आंसर आ रहा है। तो दोनों टर्म में मुझे जो एच की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो अलग होगी, तो इसलिए उसका नाम भी मैंने एच टू एच थ्री ऐसे लिखना चाह रहा हूं। ओके, सो एन इज इक्वल टू, बिल्कुल सी वाला जो केस था उसी के जैसा है जैसे थर्ड पार्ट किया था, बट थोड़ी सी लास्ट में जाके कैलकुलेशन चेंज हो रही है इसकी। वन प्लस एन एच एन प्लस एन एन माइनस वन एच एन स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। नाउ दिस इज ग्रेटर देन, अब इसमें क्या लिखेंगे, ये सी पार्ट से थोड़ा सा अलग है। अगर मैं एन एच लिख दूं तो एन फिर कट जाएगा इससे, और एन कट जाएगा तो एन ग्रेटर देन इक्वल टू के वाली इक्वेशन यूज करके के नहीं ला पाएंगे, के नहीं ला पाएंगे तो एप्सिलॉन नहीं आ पाएगा क्योंकि वन बाई के ही एप्सिलॉन लाता है। तो सिंगल ये टर्म लिखना बेनिफिशियबल नहीं है, इसको लिखेंगे तो आ जाएगा, क्योंकि जब ये टर्म यहां पे लिखेंगे और एक एन कट जाएगा तो एक एन बचेगा, लेकिन जो एन माइनस वन है वो कैलकुलेशन को थोड़ा सा टिपिकल बना देगा, बिल्कुल थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बना देगा। तो इसमें जो बेस्ट वे है वो क्या है, वन प्लस एन एन माइनस वन एच स्क्वायर बाय टू, एक ये टर्म और एक ये टर्म ले ली, बाकी सब छोड़ दी, तो ऑब्वियसली ये सारा तो बड़ा ही होगा ना दो टर्म से, तो ग्रेटर तो लगा सकते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या होगा कि इस वन को शिफ्ट कर लेंगे हम, तो एन माइनस वन ग्रेटर देन एन एन माइनस वन एच एन स्क्वायर बाय टू, ठीक है। इस वन को एन के पास लिया है तो एन माइनस वन हो गई। अब उससे क्या है कि जो एन माइनस वन का फैक्टर है कट रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 बाई एन ग्रेटर देन एच एन स्क्वायर, और यहां से अगर और मॉडिफाई करें तो एच एन स्क्वायर 2 बाई एन एच एन लेस देन रूट 2 बाई रूट एन। ओके, ये हो गया। अब हम अपना कन्वर्जेंट वाला पार्ट शुरू करते हैं। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बाई आर्किमिडियन प्रॉपर्टी corresponding to a positive number greater than 0, there exist k belong to n such that 1 by k is less than positive number. For n greater than equal to k, we have sequence ka naam maine rakha hua hai, minus limit. Limit kitni lani hai? 1. Ab sequence ki value likhte hain, सीक्वेंस की वैल्यू है n रेज टू पावर 1 बाय n माइनस 1, तो n रेज टू पावर n, इसकी वैल्यू देखो कितनी है, 1 प्लस एच एन, तो 1 प्लस एच एन माइनस 1 इज इक्वल टू एच एन विच इज लेस देन, एच एन इज लेस देन कितना, रूट 2 बाय रूट n। ओके, दिस इज फर्दर लेस देन रूट टू बाय रूट के, इससे एन ग्रेटर देन इक्वल टू के से। अब आगे कैसे मॉडिफाई करें, मैं इसको दोबारा एक बार लिख देता हूं, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। तो हमारे पास आ गया एक्स एन माइनस वन लेस देन, ये एक बार लेस देन आ गया बीच में तो लेस देन ही रहेगा, है ना, रूट टू बाय रूट के। इसको थोड़ा सा अलग अलग करके लिख देता हूं एक बार इस तरीके से। Now I want to use this equation, sorry this one, तो root 2 इसकी जगह पर क्या लिखूं, इसकी जगह पर क्या लिखूं कि epsilon आ जाए। देखो पहली बार है जो root के आया है,
नहीं तो हमेशा 1 बाई के ही आ रहा था, आपने देखा है। तो अगर यहां पे एप्सिलॉन बाई रूट टू होता, अगर ये वैल्यू एप्सिलॉन बाई रूट टू होती तो कट के एप्सिलॉन आ जाता। अब सवाल ये है कि हमें चूज करना है 1 बाई के, तो 1 बाई के क्या होना चाहिए? तो 1 बाई के होना चाहिए, इफ आई चूज 1 बाई के लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर बाई टू और मैं इसको स्क्वायर रूट करूं तो 1 बाई स्क्वायर रूट के एप्सिलॉन बाई रूट टू आ जाएगा। एप्सिलॉन बाई रूट टू चाहिए मुझे, सो मुझे यहां क्या चूज करना चाहिए? एप्सिलॉन स्क्वायर बाई टू। और क्या मैं चूज कर सकता हूं? यस, कैसे चूज कर सकता हूं? बिकॉज ये एक पॉजिटिव नंबर है। ओके, सो एप्सिलॉन स्क्वायर बाई टू अगर हम चूज कर लेंगे तो 1 बाई के ऐसा हो जाएगा, और अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो एप्सिलॉन बाई रूट टू हो जाएगा, जिससे यहां पर हम कंक्लूड कर पाएंगे कि लिमिट जो है हमारे सीक्वेंस की वो 1 है। सीक्वेंस का नाम अगर लिखना चाहें तो n रेज टू पावर 1 बाई n। ओके, तो ये आपका एग्जाम्पल के चारों पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं। तो आपसे लास्ट में एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए।